फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको नरसिंह भगवान की मूर्ति बनाकर दिखाने वाली हूँ, जो कि हिरण्यकश्यप का पेट चीरे हुए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर हमेशा लाती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम शेषनाग बनाने के लिए एक डब्बा लिया है मैंने, और उस डब्बे की हेल्प से शेषनाग बनाएंगे। सबसे पहले हम मिट्टी की लंबी लंबी कॉइल्स बना लेते हैं, मोटी मोटी, ताकि शेषनाग बना सकें हम बहुत इजी तरीके से। तो बहुत सारी हम मिट्टी की इस तरह से लंबी लंबी और मोटी मोटी कॉइल्स बना कर रख लेते हैं फ्रेंड्स, और फिर इस तरह से डब्बे के ऊपर हमें घुमाना है। यदि मेरे पास कुछ और नहीं था तो मैंने डब्बा लगा लिया, आपके पास कोई बेस हो तो आप उसको लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो अंदर, ताकि नरसिंह भगवान बैठ सके, और बैठे तो कुछ इधर उधर गिरे ना, मतलब कड़क रहे, कुछ इस तरह का बेस लगाना है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, मिट्टी ज़्यादा ना लगे इसीलिए हम अंदर कागज़ लगाएंगे, और अंदर से हल्का बने, मूर्ति थोड़ी हल्की बने, ज़्यादा भारी ना हो, इसीलिए हम अंदर से कागज़ लगाएंगे फ्रेंड्स। सो देखिए, बहुत इजी तरीके से हमने नरसिंह भगवान का फेस बनाकर लगा दिया फ्रेंड्स। नरसिंह भगवान की फेस मेकिंग वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फेस मेकिंग की वीडियो भी जल्द ही लेकर आऊँगी, यदि आप चाहते हैं तो फेस मेकिंग वीडियो। तो इस तरह से कागज़ रखना है, और हिरण्यकश्यप की बॉडी किस तरह से हमें रखनी है उसका नाप लेने के लिए मैंने ये कागज़ रखा है, ताकि चिपके ना और बाद में मैं इसको निकाल सकूं, इसीलिए कागज़ रख रही हूँ फ्रेंड्स। तो नाप लेते हैं हम पहले, क्योंकि यहाँ पर नरसिंह भगवान की गोद में बहुत ही कठिन तरीके से बनेगा, इसलिए इसको अलग हटाकर बनाऊंगी मैं, तो इसीलिए मैंने कागज़ रखा है। तो अब इसको हटा लेते हैं हम, इधर अच्छे से बना लेते हैं हम मूर्ति को अलग हटाकर। तो अब हम हिरण्यकश्यप की बॉडी को बना रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीके से डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ आपको टूल की हेल्प से, तो ध्यान से देखिए आप लोग। सो अंदर हम इस तरह की कुछ मिट्टी की कॉइल्स लगा देंगे, और हिरण्यकश्यप का पेट चीरा हुआ बनाएंगे फ्रेंड्स। और यदि आपने मुझे अभी तक फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे फटाफट से एनिया ट्रेडिशनली सर्च कीजिए, और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, यदि आप फेसबुक चलाते हैं और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपनी वीडियोस लगाती हूँ, पोस्ट वगैरह करती हूँ फ्रेंड्स। अब हिरण्यकश्यप की जांघ बना लेते हैं, अच्छी मोटी मोटी सी थोड़ी। पहले के राजा महाराजा बहुत ही बॉडी बिल्डर होते थे, और हाइट भी उनकी बहुत ज़्यादा होती थी। पर नरसिंह भगवान तो बड़े रहेंगे ना राक्षस से, क्योंकि वो तो भगवान है तो ऑब्वियसली बड़े ही होंगे, इसीलिए नरसिंह भगवान हम थोड़े से बड़े बनाएंगे इससे, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़े बनाएंगे इससे राक्षस से। सो फ्रेंड्स, तार लगा दिया है हमने, ताकि हाथ लगाएं तो वो गिरे ना, इधर उधर हिले ना। सो अब देखिए, तार लगा दिया, तार की हेल्प से बहुत ही ईजी तरीके से हम हाथ को डिज़ाइन करेंगे फ्रेंड्स कागज़ लगा कर, और सीना बना लेते हैं हम नरसिंह भगवान का, डिज़ाइन कर लेते हैं। सो मिट्टी की कुछ लंबी सी कॉइल ली है, और इस तरह से डिज़ाइन करा है सीना, और अब एप्स वगैरह बना लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से।
साइड की बॉडी बनाते हैं फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से, और ऊपर भी कागज़ लगा देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नरसिंह भगवान जी के जो बाल हैं वो घने रहेंगे, क्योंकि शेर का फेस है तो ऑब्वियसली रहेंगे ही बहुत सारे बाल फेस में। तो शेषनाग बनाने के लिए इस तरह से 5 तार लेना है गिनकर, और उनको बांध लेना है एक तार की हेल्प से, अच्छे से बांध लेना है फ्रेंड्स टाइट ताकि निकले ना। और इसी तरह से हमें 5 फन बनाकर फैला लेने हैं, और इसको तार की हेल्प से बांध देंगे हम बीच से अच्छे कस के ताकि गिरे ना, क्योंकि मिट्टी बहुत भारी होती है और 5 मोटे मोटे फन वाले सांप बनाएंगे तो गिरे ना, इसलिए टाइटली हम बांध लेंगे इसको। सो फ्रेंड्स बहुत ही धीरे धीरे अब हम सांप को डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में यदि हम बनाएंगे तो गिरकर टूट जाएगी हमारी मूर्ति, इसीलिए हमें आराम से बनानी है। सो ध्यान से देखिए किस तरह से मिट्टी लगा रही हूँ, कितनी मिट्टी लगा रही हूँ, कहाँ कहाँ मिट्टी छोड़ रही हूँ, कहाँ लगा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिए आप लोग। और आप बॉडी को डिज़ाइन कर रही हूँ फ्रेंड्स, कागज़ लगाएंगे हम क्योंकि बहुत ही भारी होती है मिट्टी, इतने कागज़ लगाने के बाद भी मेरी मूर्ति बहुत ही ज़्यादा भारी बनी है, पर इतनी है कि मैं उठा सकती हूँ इतनी है। सो फ्रेंड्स एक कपड़ा लेकर मैंने मिट्टी के घोल में इस तरह से डुबोकर और ये पटली कुछ बनाकर और कमर में लगा दी है और डिज़ाइन कर दी है धोती की जैसे, और जो बॉडी हमने बनाई थी हिरण्यकश्यप की उसको भी लगा दिया है। और अब जो धोती में जो आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के बीच में जो कुछ लटका हुआ होता है गमछा जैसा, वो भी बना दिया है मैंने मिट्टी की हेल्प से। और अब शेष नाग को डिज़ाइन कर रहे हैं फ्रेंड्स, सो ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत ही टाइम लगता है फ्रेंड्स शेष नाग बनाने में। और नरसिंह भगवान की बॉडी बनाने में भी बहुत ही टाइम लगा था मुझे, फिनिशिंग देने में काफ़ी टाइम लगा था। अब हाथ बना लेते हैं, उंगलियां वगैरह, सो फ्रेंड्स एक हाथ की उंगली लग चुकी है, अब दूसरे हाथ की लगा देते हैं। अब हिरण्यकश्यप की बॉडी बना लेते हैं हम, इसका भी अच्छा सीना बनाएंगे, ऊपर ऊपर बॉडी बिल्डर था हिरण्यकश्यप, राक्षस है तो ऑब्वियसली बॉडी बिल्डर होगा ही, राक्षस नहीं था इंसान था, वो तो बस वरदान था उसको कि मर नहीं सकता है वो कहीं पर भी, तो कुछ इस तरह से था उसका, हर जगह का वरदान मांगा था उसने, धरती पर मर सकता हूँ ना आसमान में मर सकता हूँ ना दिन में मर सकता हूँ ना रात में मर सकता हूँ, कुछ इस तरह का उसका वरदान था, तो उसको घमंड आ गया था, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो गया था, इंसान था पर वो राक्षस नहीं था। सो इंसान की तरह ही बनाएंगे हम इसको, कोई दांत वात नहीं निकालेंगे एक्स्ट्रा। और फिर नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो वो तब भी नहीं घबरा रहा था, फिर नरसिंह भगवान ने उन्हें बताया कि ना मैं इंसान हूँ ना मैं जानवर हूँ, मैं दोनों का मतलब एक रूप हूँ दोनों का, और यहाँ अभी दिन है ना रात है, ये शाम का समय है, और हिरण्यकश्यप ने कहा था मैं घर के अंदर मर सकता हूँ ना घर के बाहर मर सकता हूँ, तो नरसिंह भगवान ने इसको चौखट पर, जो चौखट होती है ना दरवाजे की, वहाँ पर बैठे थे, और ना मतलब ऊपर मर सकता हूँ ना नीचे मर सकता हूँ, मतलब ना धरती पर ना आसमान पर, तो नरसिंह भगवान इसको गोद में लेकर बैठे थे, तो बस इसकी मौत आ गई थी तो फिर ये घबरा गया था बहुत ज़्यादा, अभी कुछ भी करने से पहले, मतलब कि नरसिंह भगवान ने इसका पेट नहीं चीरा था इससे पहले ही, ये बहुत घबरा गया था अब तो मरना है मुझे कुछ ऐसा, तो बस बहुत घबरा गया था हिरण्यकश्यप। फिर नरसिंह भगवान ने इसका काम ख़त्म कर दिया, पेट चीर दिया इसका पूरा। और अब बना लेते हैं नरसिंह भगवान के बाल,
फेस के, तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लग जाती, इसलिए मैंने मिट्टी के घोल में कपड़ा डुबोया। मतलब जो नए कपड़े होते हैं ना, यदि आपके आसपास कहीं पर भी टेलर वगैरह हैं तो आप उनसे कपड़े ले सकते हैं। तो नए जो कुतरन होती है कपड़े की, मैंने वही यूज़ की है। कोई गंदा संदा कपड़ा नहीं लगाना है आपको, अच्छे साफ़ सुथरा नया कपड़ा ही लगाना है। तो अब देखिए कुछ इस तरह से फन बनाकर लगा दिए फ्रेंड्स। और अब हिरण्यकश्यप के पैर को डिज़ाइन कर लेते हैं हम। अच्छा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मतलब कि पता है या नहीं पता है नरसिंह भगवान की जो स्टोरी है उसके बारे में, और आपको कैसी लगती है इनकी स्टोरी यदि आपने देखा हो तो। मुझे तो, मैंने बहुत छोटी थी तब देखा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत देखती थी मैं बार बार इनकी, मतलब कि सीडी वगैरह थी मेरे पास, चाचा मेरे लाते थे बहुत ही ज़्यादा भगवान की, विष्णु भगवान की सीडी वगैरह, क्योंकि पहले टीवी वगैरह इस तरह की नहीं थी बैलेंस वाली। ये तो शायद मतलब कि जब मैं थी उस समय तो पता नहीं थी कि नहीं, याद नहीं है मुझे, बहुत छोटी थी मैं। तो टीवी और जो प्लेयर होता है ना वो होता था, और उसमें कैसेट वगैरह लगती थी, तो बस वही थी मेरे घर पे, तो उसी में देखती थी मैं विष्णु भगवान का, ये जो नरसिंह भगवान का अवतार है इसको देखती थी। तो अब शेषनाग को हम डिज़ाइन कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसका फेस भी मैंने बना लिया था, फेस मेकिंग की मतलब कि राक्षस महिषासुर की वीडियो अपलोड है मेरे फेस मतलब कि चैनल पर, देख सकते हैं आप लोग। और यदि आप राक्षस का फेस यानी इंसान का इस तरह का मुंह खुला हुआ फेस चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बनाकर लाऊंगी आपके लिए वीडियो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है क्योंकि फेस बहुत ही टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि उसमें फिनिशिंग ज़्यादा करनी होती है इसीलिए। तो अलग से लेकर आऊँगी आपके लिए फेस मेकिंग वीडियो, यदि आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट बताइएगा। तो देखिए हमने इस तरह से लंबे लंबे कुछ आगे से पतले और पीछे से थोड़े मोटे इस तरह के बहुत सारे बनाकर चिपका दिए फ्रेंड्स। और हम मिट्टी का घोल लगा दिया है, और थोड़ा ही सूख जाएगा इसके बाद हम इसमें टूल की हेल्प से डिज़ाइन करेंगे हेयर्स में, नरसिंह भगवान के जो आसपास फेस के हेयर्स हैं उसको। अब हम शेषनाग का जो मुंह होता है उसको बना लेते हैं खुला हुआ। सो इस तरह से टूल से हमें डिज़ाइन करना है हेयर्स को, हेयर्स की तरह लुक देना है इनको। और ये मिट्टी की बहुत ही पतली पतली कॉइल्स लेनी और नस को डिज़ाइन करना है फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सेम इसी तरह से। और बाद में मिट्टी के घोल से आपको ब्रश की हेल्प से इसको चिकना कर देना है, फिर ये अच्छी लगेगी देखने में। दूसरे हाथ में भी लगा लेनी है फ्रेंड्स हमें इसी तरह से नसें। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ फ्रेंड्स। और नरसिंह भगवान की कलरिंग वीडियो जो है मैं ला नहीं पाई हूँ आपके लिए, क्योंकि फाइनल लुक दिखा दिया है मैंने, नरसिंह भगवान की कलर मेकिंग वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था इनको कलर करने में भी मुझे, इसीलिए थक ज़्यादा गई थी मैं, इसीलिए नहीं बना पाई थी कलरिंग की वीडियो। सो देखिए आप किस तरह से बना है नरसिंह भगवान का फेस। तो फाइनल लुक देखिए फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे शॉर्ट चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।
और इंस्टाग्राम पर भी एनी आर्ट स्पेशली सर्च करके मुझे फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।